अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल पकोड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटी बाइट साइज पीसेस बना लिए। ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट, ये 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हमने। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं 1 कप, और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको कुक कर लेंगे हल्का सा 15 से 20 मिनट, और इसको हम ड्राई कर लेंगे। चिकन कुक हो गई है और ये पकोड़ों में ऐड करने के लिए रेडी है। अब हम पकोड़ों के लिए बेसन घोल लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन और 1/4 कप हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, आप ना डालना चाहें तो आप चिकन पाउडर डाल लीजिए, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सब हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस लाइट वाला, और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हम इसको इसका बैटर रेडी कर लेंगे, जैसे यूजुअली हम पकोड़ों के लिए बनाते हैं। तो ये बैटर रेडी हो गया। आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। तो यहाँ मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई, 1 से 2 गाजरें जिनको मैंने बारीक जूलियन कर लिया, 1 छोटी हरी शिमला मिर्च है इसको भी बारीक काट लिया, और 1 लाल शिमला मिर्च है, ये थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हसबे ज़रूरत। ये चिकन है जो हमने रेडी किया, और ये हमने जो बेसन घोला है, अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखिएगा कि कभी भी सारी वेजिटेबल्स बेसन में एक साथ नहीं मिलाएंगे, हम हमेशा उतनी ही वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जितनी हमें एक बैच के लिए चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया। अब उसी हिसाब से मैं जितनी प्याज शिमला मिर्चें और गाजर धनिया हरी मिर्च जितनी हमें एक बैच के पकौड़ों के लिए चाहिए होंगी हम उतनी ही ऐड करेंगे। हम सारी एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारी सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो नरम हो जाएंगी, और फिर पकौड़े क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। थोड़ी सी इसमें चिकन ऐड करेंगे हम, और फिर इन तमाम चीज़ों को, सब्जियों को, बेसन को और चिकन को, सबको मिक्स करके हम इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। उसके लिए एक पैन में हमने ऑयल लेके उसको गर्म होने रख दिया, और अब हम उसमें पकोड़े डाल रहे हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना बेसन सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। पकोड़ों को हम पहले 6 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और उसके बाद लास्ट के 2 मिनट्स हम फ्लेम हाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाएं। तो आप देखिए पकोड़े कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।